क्या महागठबंधन के लिए मायावती को मना पाएंगे अखिलेश? मायावती को मनाने के लिए अखिलेश ने कौन सा प्लान बनाया है? आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बनाने की फिराक में जुटा था, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती के एक बयान से सूबे में महागठबंधन का पेच फंसता नजर आ रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर मायावती के बयान के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि एसपी प्रमुख ने महागठबंधन में मायावती को शामिल करने के लिए खास फॉर्मूला तैयार कर लिया है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी प्रमुख ने कहा कि 2019 में बीजेपी को हराने के लिए एसपी गठबंधन करेगी, भले ही इसके लिए दो कदम पीछे हटना पड़े। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा देश को बचाना है, उसके लिए सभी को आगे आना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि देश की जनता भी बीजेपी को हटाना चाहती है। अखिलेश ने आगे कहा कि मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा गठबंधन तैयार होगा। कांग्रेस से गठबंधन के लिए पहल करने की अपील करते हुए अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, लिहाजा उसे बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि वो ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती हैं। एसपी प्रमुख ने कहा कि जनता में गुस्सा है, इसलिए हर हाल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में बीजेपी की हार हुई तो ये देश की सत्ता में वापस नहीं आएगी। आपको बता दें कि मायावती ने विपक्षी दलों को ये कहकर एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वो किसी भी गठबंधन में तभी जाएंगी जब उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। मायावती की ओर से सम्मानजनक सीटों की बात करना और कांग्रेस को भी महंगे ईंधन के लिए जिम्मेदार ठहराने के बयान को सीटों की सौदेबाजी के लिए दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में अखिलेश मायावती को गठबंधन के लिए मनाने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।